मॉनिटर लिजार्ड यानी कि बिस्कोपड़ा जहरीला होता है कि नहीं, और यदि यह जहरीला नहीं होता है तो इसके काटने पर मौतें क्यों हो रही हैं? क्या गोह या गोयरा को ही बिस्कोपड़ा या बिस्कापर कहते हैं? अगर बिस्कोपड़ा काट ले तो क्या इलाज करें? आदि सारे बहुत प्रश्न आप सभी के मन में जरूर आते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आज आपको इन सभी प्रश्नों का एकदम सटीक उत्तर मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें। सबसे पहले आप जान लें कि बिस्कोपड़ा, बिस्कापर, गोयरा, गोह को ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। बिस्कोपड़ा कोई अलग जीव नहीं होता है, इसको अंग्रेजी में मॉनिटर लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। यह जीव छिपकलियों के वंश से ताल्लुक रखते हैं। भारत के अलावा कई देशों में पाए जाते हैं। भारत में इनकी 6 प्रजातियां मौजूद हैं, जो एक दूसरे से रूप रंग में काफ़ी भिन्न होते हैं। यह जीव झाड़ी, जंगल, खेत खलियान आदि जगहों में बिलों में रहते हैं। यह पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकते हैं व पानी में तैर भी सकते हैं। इनकी जीभ बिल्कुल सांपों की तरह होती है, जिसे ये सांपों की तरह अंदर बाहर निकालते रहते हैं। मजबूत चमड़ी, नुकीले पंजे और लंबी पूंछ इनको शिकार करने में मदद करती है। यह जहरीला होता है कि नहीं, ये सवाल काफ़ी उलझा हुआ है, क्योंकि जंतु विज्ञान के एक्सपर्ट इसको जहरीला नहीं मानते हुए तर्क देते हैं कि इसमें सांपों की तरह कोई विषदंत या विष की थैली नहीं होती है। वहीं गांव देहात के लोग इस प्राणी को बेहद जहरीला बताते हैं। कई बार तो न्यूज़पेपर में भी बिस्कोपड़ा के काटने से हुई मौत की खबरें आती रहती हैं। आखिर सत्य क्या है? वास्तव में यह प्राणी बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। हमारे समाज में सदियों से इस प्राणी के नाम से डर, दहशत इस कदर फैला हुआ है कि इसके काटने पर लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अन्य जहरीला जीव काट लेता है जिसे लोग देख नहीं पाते, फिर अचानक आसपास ये जीव मिल जाता है, बस लोग चिल्लाने लगते हैं कि बिस्कोपड़ा ने काट लिया। ऐसे में पीड़ित इंसान और डर जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि यह प्राणी कभी इंसानों पर हमला करता ही नहीं। हाँ, काट सकता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में, जैसे इसके ऊपर पैर पड़ जाए या इसको छेड़ा जाए। यदि यह किसी को काट ले तो यह मानकर चुप नहीं बैठना चाहिए कि चलो छोड़ो, यह जानवर जहरीला नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। पीड़ित को तुरंत सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि गोयरा या गोह एक जंगली जानवर है। यह सड़े गले मांस भी खाता है, इसलिए इसके मुंह में, दांतों में घातक बैक्टीरिया हो सकते हैं। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो जीव जीभ से पानी पीते हैं उनके लार में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा जानवर काटे तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। हमारे समाज में गलत जानकारियों की वजह से गोह या गोयरा को देखते ही मार दिया जाता है, क्योंकि गांव देहात में इस जानवर को लेकर तमाम भ्रांतियां और कई किस्से कहानियां फैली हुई हैं, तरह तरह की चर्चाएं हैं। जल्द ही यदि इस जीव के बारे में लोगों में भय का निवारण नहीं किया गया तो लोग इस बेचारे निर्दोष छोटे से जीव को मारते रहेंगे, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो यह प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर आ जाएगी। अतः आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।